कहां कोई आतंकी घाटी को दहलाने के मंसूबे पाले रहता है और कहां कोई आतंकी दहशतगर्दों को ऐसा करने से रोकता रहता है, सुनने में अटपटा लगता है। भला कोई आतंकी दहशत फैलाने से रोकेगा क्यों? लेकिन घाटी में एक ऐसा दहशतगर्द है जो हश्र से चिताता रहता है, आगाह किए रहता है कि क्यों ये आतंक का रास्ता ठीक नहीं है। इस आतंकी का नाम शेख मुदासिर है। शेख मुदासिर ही है जिसने आतंक के रास्ते को छोड़कर शांति और अमन का रास्ता चुन लिया है। तो क्या है शेख मुदासिर की कहानी? क्यों घाटी में चोरी छिपे फल फूल रहे आतंकियों से अलग था शेख मुदासिर? साल 2000 के दशक की शुरुआत में शेख मुदासिर स्कूली छात्र था, अपने किशोरावस्था के दौर में था, मन में उथल पुथल थी, ऐसे में अलगाववादी विचारधारा से प्रभावित हो गया। बस फिर क्या, पढ़ाई छोड़ दी, उत्तरी कश्मीर के अपने मूल पुराने बारामूला शहर में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक कट्टर पत्थर फेंकने वाला बन गया। पाकिस्तान समर्थित प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी समूह के लिए ओवरग्राउंड आतंकी बनकर काम करने लगा, 3 बार जेल भी गया। आज मुदासिर ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है, सर्जरी महंगी होने की वजह से तिल तिल कर मर रहा है, डॉक्टर ने कहीं आने जाने से बिल्कुल मना कर दिया है। मुदासिर की हालत अब ऐसी हो गई है कि वो रोज मस्जिद जाता है और युवाओं के लिए एक अपील जारी करता है। शेख मुदासिर घाटी के युवाओं को एक खास तरह का संदेश दे रहा है। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी समूहों में शामिल होने के खिलाफ युवाओं को, विशेष रूप से अनाथों को संदेश दे रहा है। इसके लिए वो युवाओं को आप बीती सुना रहा है। कहता है, जैसे मैंने किया वैसे ही अपने जीवन को बर्बाद मत करो। शेख मुदासिर अपनी कहानी की शुरुआत साल 2006 से करता है। याद करते हुए कहता है, मैं साल 2006 में 12वीं कक्षा में था जब मैं पत्थरबाज बन गया और हिजबुल आतंकियों के संपर्क में आया। मैंने पढ़ाई छोड़ दी और ओवरग्राउंड वर्कर बन गया। मैंने कुछ पैसे कमाने के लिए बच्चों को निजी ट्यूशन दिया। साल 2007 में सुरक्षा बलों पर पथराव करने के आरोप में जेल गया, 6 महीने जेल में रहा। 2008 में दूसरी बार शेख मुदासिर को गिरफ्तार किया गया। सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत साल 2010 में फिर पकड़ा गया और इस बार 1 साल के लिए उधमपुर जेल में रहा। जब साल 2010 में शेख मुदासिर उधमपुर जेल में था, तब उसने अपने और बाकी कैदियों के बीच में फर्क महसूस किया। उसने देखा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के राजनीतिक कैदियों को कितने विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे ये लोग बदबूदार कोठरियों में रहते थे जबकि वो आलीशान कमरों में रहते थे। ये वो वक्त था जब मुदासिर के मन में वास्तविकता घर कर गई थी। जिंदगी बदली जब जेल अधीक्षक रजनी सहगल, जो कि आईपीएस अधिकारी थी, उनकी बातों ने मुदासिर के जीवन को प्रभावित किया। मुदासिर ने कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि पाकिस्तान हमें चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और हमारे नेता जेलों के बाहर और अंदर एक राजा का जीवन जी रहे हैं। तुमने इसे खुद देखा। साल 2010 में मुदासिर के पिता की मृत्यु हो गई और उसे रिहा भी कर दिया गया। उस समय के आसपास उसे बहुत सिरदर्द रहता था। डॉक्टरों को दिखाया तो ब्रेन ट्यूमर पता चला। घर का सबसे बड़ा बच्चा शेख मुदासिर परिवार को लेकर टेंशन हुई क्योंकि माँ, दोनों बहनों और दोनों भाइयों को उसका सपोर्ट चाहिए था। उसने लोगों के पासपोर्ट और अन्य आधिकारिक दस्तावेज बनाने में मदद करने वाले एजेंट की तरह काम करके पैसा कमाया, लेकिन इस पैसे में सिर्फ परिवार का भरण पोषण हो सकता था, इलाज नहीं। शेख मुदासिर ने कहा, मैं हुर्रियत के अली शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक से मिलने श्रीनगर गया था। उनमें से प्रत्येक ने मुझे 2000 रुपए दिए और मदद का वादा करते हुए मेरे मेडिकल पेपर ले लिए। कोई मदद नहीं आई। मैं फिर उनसे मिलने गया तो गेट पर मौजूद गार्ड ने भगा दिया। अब शेख मुदासिर का पूरी वास्तविकता से पाला पड़ चुका था, इसलिए अब वो आतंक का रास्ता छोड़कर बच्चों को नेक रास्ते पर चलने की सलाह दे रहा है। मदरसों में जाकर बच्चों और किशोरों को अपनी आप बीती सुनाकर अलगाववादी आंदोलन और अलगाववादी नेताओं से दूर रहने की सलाह देता है। वो चाहता है कि बच्चे अपना जीवन बर्बाद न करें। डॉक्टरों के मुताबिक बेंगलुरु में उपलब्ध साइबर नाइफ रोबोटिक इलाज से उसकी जान बच सकती है, लेकिन उसके पास इतने रुपए नहीं है। यह है शेख मुदासिर के जीवन की कहानी। वो क्या था और जिंदगी के धक्कों ने उसे कुछ ऐसे सिखाया कि क्या से क्या बन गया। एक आतंकी कहां अब अपने पैरों पर खड़े होने, शांति फैलाने और अमन चैन की जिंदगी जीने का पाठ पढ़ा रहा है।
आप मुदासिर के इस जीवन से, मुदासिर की इस कहानी को जानकर क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।